प्यारे बच्चों, आप सभी लॉकडाउन के कारण अपने अपने घरों में हैं। ऐसे समय में हम लेकर आए हैं आपके लिए डिजी साथ कार्यक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 10 से 12 तथा अपराह्न 1 से 2 बजे तक अपने अपने कक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम देख सकेंगे। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड। नमस्ते दोस्तों, झारखंड सरकार के डीजी साथ प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम दूरदर्शन के माध्यम से क्लास 10 की पढ़ाई करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि हम आज क्या पढ़ेंगे। क्लास 10 में हम विज्ञान विषय में अम्ल, क्षारक और लवण भाग 1 की शुरुआत करेंगे और सामाजिक विज्ञान विषय में मुद्रा और साख भाग 2 पढ़ेंगे। इन सभी वीडियो के साथ हम रोचक प्रश्नों को भी बनाएंगे और उनके जवाब भी देखेंगे। दोस्तों, आप सबसे उम्मीद है कि आपने अपनी कॉपी और कलम अपने साथ रखी होगी और आप सभी पाठ को पढ़ने के क्रम में ज़रूरी बातों को नोट भी करते जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। नमस्कार दोस्तों, आज जो हम अध्याय करने जा रहे हैं उसका नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में हम क्या जानने वाले हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्षारक और अम्ल के रासायनिक गुणधर्मों की। पर इससे पहले आप जरूर सोच रहे होंगे कि अम्ल और क्षारक का इस्तेमाल तो हम सिर्फ लैब में करते हैं, तो इसके बारे में पढ़ने की क्या जरूरत है। तो दरअसल जो अम्ल और क्षारक हैं वो हर जगह पे हैं। उदाहरण के लिए ये हमारे भोजन में होते हैं। भोजन ही नहीं, हमारे जो साबुन होते हैं उनके अंदर भी अम्ल और क्षारक होते हैं। इतना ही नहीं, क्या आप जानते हैं हमारा जो उदर होता है उसके अंदर भी अम्ल होता है। तो अब इनके बारे में पढ़ना थोड़ा जरूरी हो जाता है। परंतु रासायनिक गुणधर्म पढ़ने से पहले हमें पता तो होना चाहिए कि कौन सा तत्व क्षारक है या फिर अम्ल है। तो हमें पता कैसे चलेगा? मान लीजिए यहाँ पर एक विलयन रखा हुआ है, तो ये विलयन अम्ल है या क्षारक है? पता कैसे करें? क्या हमें इसे चखना चाहिए? हो सकता है कि ये खतरनाक हो। तो आखिर पता कैसे लगाएंगे कि कोई सा तत्व क्षारक है या फिर अम्ल है? तो ये पता लगाने के दो तरीके हैं कि कोई सा तत्व अम्ल है या क्षारक है। ये दो तरीके क्या हैं? पहला है स्वाद। इसके बारे में आपने पहले भी पढ़ा है कि अम्लों का स्वाद खट्टा होता है। उदाहरण के लिए अगर हम नींबू की बात करें तो नींबू अम्ल होता है, उसके अंदर सिट्रिक एसिड होता है, इसलिए उसका स्वाद खट्टा होता है। वहीं क्षारकों की बात करें तो वो कड़वा होता है। उदाहरण के लिए कॉफी में क्विनाइन होता है जो कि एक क्षारक है, जिस वजह से कॉफी कड़वी लगती है। परंतु हम हर तत्व को चख के तो नहीं देख सकते, तो ये तरीका उतना इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसके बदले हम इस्तेमाल करते हैं सूचकों का। तीन तरीके के सूचक होते हैं जो पता लगाने में मदद करते हैं कि कोई सा तत्व अम्ल है या क्षारक है। पहला है प्राकृतिक सूचक, दूसरा है संश्लेषित सूचक और तीसरा है सूंघने वाला सूचक। चलिए इन तीनों के बारे में थोड़ा विस्तार से जानते हैं। प्राकृतिक सूचक की बात करें तो इसके उदाहरण है लिटमस पेपर। इसके बारे में तो आप जानते ही होंगे, इसके ऊपर आपने कई सारे क्रियाकलाप भी किए होंगे। दूसरा उदाहरण ले तो हल्दी भी प्राकृतिक सूचक में ही आता है। संश्लेषित सूचक की बात करें तो इसके उदाहरण है मिथाइल ऑरेंज और फिनोफ्थलीन। ये उतनी आसानी से तो नहीं मिलते, पर अगर आप अपनी केमिस्ट्री लैब में देखें तो ये आपको जरूर मिल जाएंगे। सूंघने वाले सूचक की बात करें तो ये वो सूचक होते हैं जिनका अम्ल और क्षारक के साथ संपर्क में आने पे सुगंध में बदलाव आ जाता है। उदाहरण के लिए प्याज। तो अब हमें पता चल गया कि कोई सा तत्व अम्ल है या क्षारक है। तो चलिए अब जानते हैं कि इनके रासायनिक गुणधर्म क्या है। अम्ल एवं क्षारक धातु के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं ये जानते हैं। अम्ल की बात करें तो अम्ल के अवशिष्ट के साथ मिलकर धातु एक यौगिक बनाता है जिसे लवण कहते हैं।
यह अभिक्रिया कुछ इस तरीके की होती है। अम्ल जब धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो उससे हमें लवण मिलता है और साथ में हाइड्रोजन गैस विकसित होती है। इस अभिक्रिया की पुष्टि करने के लिए एक क्रियाकलाप किया जा सकता है, जैसा यहाँ पर किया गया है। हमने एक परख नली में जिंक के टुकड़े डाले हैं और इसके अंदर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है। अब अभिक्रिया के अनुसार यहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकलनी चाहिए, तो हमने इससे जो गैस निकल रही है उसे साबुन के विलयन से पास किया है, तो साबुन के विलयन से बुलबुले निकलना शुरू होंगे। अगर हम इन बुलबुलों के आगे जलती हुई मोमबत्ती रखें तो पॉप की ध्वनि के साथ ये बुलबुले फूट जाएंगे और इससे इस बात की पुष्टि होती है कि जो बुलबुले हैं वो हाइड्रोजन गैस के बुलबुले हैं। क्षारक भी धातु के साथ ऐसे ही अभिक्रिया करता है। चलिए इसका एक उदाहरण देख लेते हैं। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक क्षारक है उसके साथ जिंक की अभिक्रिया होती है जो कि एक धातु है, तो हमें इससे लवण मिलता है जिसका नाम है सोडियम जिंकेट और जिसका सूत्र होता है Na2ZnO2 और साथ में हमें हाइड्रोजन गैस मिलती है। चलिए अब बात करते हैं कि धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। एक उदाहरण से शुरू करते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं सोडियम कार्बोनेट जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो उससे हमें लवण मिलता है NaCl और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है और जल मिलता है। वहीं अगर हम धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की बात करें, जैसा कि यहाँ उदाहरण लिया है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का, तो ये जब HCl के साथ यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो हमें वही लवण मिलता है NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है और जल मिलता है। यहाँ आप देखेंगे कि दोनों ही अभिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है। अगर हम इस गैस को चूने के पानी से पास करें तो क्या होगा कि चूने के पानी के साथ अभिक्रिया करके ये CaCO3 बनाएगा जो कि एक श्वेत अवक्षेप होगा और जो कलर है वो सफेद हो जाएगा और ऐसा लगेगा कि चूने का पानी दूध में परिवर्तित हो गया है और इसके साथ हमें जल मिलता है। इस श्वेत अवक्षेप और जल में अगर हम और देर तक कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करेंगे तो हमें एक लवण मिलेगा जो कि जल में विलयशील होगा। तो अब इन सभी को ध्यान से देखें तो हमें पता चलता है कि जो प्रतिक्रिया है वो कुछ इस तरीके की है। धातु कार्बोनेट या फिर धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो हमें मिलता है लवण, साथ में मिलती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल। चलिए अब बात करते हैं अम्ल और क्षारक आपस में कैसे अभिक्रिया करते हैं। तो अम्ल द्वारा क्षारक का प्रेक्षित प्रभाव तथा क्षारक द्वारा अम्ल का प्रभाव समाप्त हो जाता है। ये किस तरीके से होता है चलिए देख लेते हैं। अम्ल और क्षारक जब मिलते हैं तो एक लवण बन जाता है और साथ में जल मिलता है। उदाहरण के लिए अगर हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया करवाएं तो उससे हमें लवण मिलता है NaCl जिसका नाम होता है सोडियम क्लोराइड। ये हमारे घर में जो नमक इस्तेमाल होता है उसी का सूत्र है और साथ में जल मिलता है। यहाँ पर अगर हम HCl और NaOH को देखें तो दोनों ही बहुत खतरनाक हैं। HCl बहुत ही सांद्र अम्ल होता है, वहीं NaOH बहुत ही सांद्र क्षारक होता है। पर अगर हम NaCl और जल की बात करें तो दोनों ही हानि रहित होते हैं। तो इस तरीके से जो उनका प्रेक्षित प्रभाव होता है वो कम हो जाता है और समाप्त हो जाता है। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में हमने क्या सीखा। हमने जाना अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुणधर्म के बारे में। इसके बारे में और अच्छे से जानने के लिए आप NCERT का अम्ल क्षारक एवं लवण वाला अध्याय पढ़ लीजिएगा। चलिए जान लेते हैं अगली वीडियो में हम क्या जानने वाले हैं। अगली वीडियो में हम बात करेंगे रासायनिक गुणधर्म के बारे में, जहां हम जानेंगे बचे हुए गुणधर्म अम्ल और क्षारक के, और उसके बाद हम बात करेंगे कि सभी अम्लों एवं क्षारकों में समानताएं क्या क्या हैं। धन्यवाद।
हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस स्मार्ट क्लास में। दोस्तों आज हम इस स्मार्ट क्लास में अर्थशास्त्र के पाठ 3 को पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है मुद्रा एवं साख। दोस्तों ये मुद्रा एवं साख पाठ का भाग 2 है। इससे पहले हम इस पाठ का एक भाग कर चुके हैं, जिसमें हमने मुद्रा के बारे में पढ़ा था। दोस्तों जैसा कि हमारा पाठ का नाम मुद्रा एवं साख है, तो आज हम साख के बारे में पढ़ने वाले हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं आज इस वीडियो लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। दोस्तों इस वीडियो लेक्चर में हम सबसे पहले ऋण की सकारात्मक भूमिका के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम जानेंगे कि ऋण की नकारात्मक भूमिका क्या क्या होती है। दोस्तों उसके बाद हम चर्चा करेंगे ऋण की शर्तों पर। हम जानेंगे कि ऐसी कौन कौन सी शर्तें होती है जो ऋण प्राप्त करने के लिए पूरी करनी होती है। उसके बाद दोस्तों हम साख के स्रोतों पर बात करेंगे। हम जानेंगे साख के कौन कौन से स्रोत होते हैं जिससे कोई भी व्यक्ति साख प्राप्त कर सकता है। दोस्तों इस वीडियो के अंत में हम स्वयं सहायता समूह के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करते हुए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर की। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं ऋण के बारे में। दोस्तों ऋण साख कर्ज उधार ये सभी एक ही चीज है। दोस्तों हमारी रोजमर्रा की गतिविधियों में ऐसे बहुत से लेन देन होते हैं जहां हमें किसी न किसी रूप में ऋण का प्रयोग करना पड़ता है। दोस्तों ऋण या उधार से हमारा तात्पर्य एक ऐसी सहमति से होता है जहां साहूकार यानी कि जो कर्ज देने वाला व्यक्ति है या उधार दाता जिसे हम कह सकते हैं, वो कर्जदार को यानी कि ऋण प्राप्त करने वाले व्यक्ति को धन वस्तुएं या सेवाएं मुहैया कराता है और उसके बदले में कर्जदार से भुगतान करने का एक वादा लेता है। ये वादा एक भविष्य में किया हुआ वादा होता है। दोस्तों इस प्रकार आप कह सकते हैं ये आपसी सहमति ही ऋण या उधार कहलाती है, जिसमें आपको पहले कोई व्यक्ति या उधारदाता वस्तुएं या सेवाएं दे देता है या फिर उनको खरीदने के लिए धन देता है और उसके बदले में आप उस धन को भविष्य में चुकाने का वादा करते हैं। चलिए दोस्तों अब हमने ऋण की तो बात कर ली है, अब जानते हैं कि ऋण की सकारात्मक भूमिका क्या होती है। दोस्तों बहुत से लोगों की जिंदगी में ऋण बहुत ही महत्वपूर्ण और सकारात्मक भूमिका अदा करता है, जिसमें से कि पहली है कि ऋण उत्पादन के लिए कार्यशील पूंजी की जरूरत को पूरा करता है। दोस्तों कोई भी व्यक्ति अपने उत्पादन को बढ़ाने के लिए ऋण की सहायता ले सकता है। दोस्तों ऋण किसी भी व्यक्ति को उत्पादन के कार्यशील खर्चों जैसे कि आगतों की खरीदारी या फिर तकनीक की खरीदारी तथा उत्पादन को समय पर पूरा करने में मदद करता है। ऋण की दूसरी सकारात्मक भूमिका ये है कि ऋण लोगों को घर बनाने अपना आशिया बनाने में सहायक होता है। दोस्तों बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपनी पूंजी से अपना घर का निर्माण नहीं कर सकते हैं, इसीलिए वो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं में से एक जो मकान है उसको बनाने के लिए ऋण की सहायता ले सकता है। दोस्तों ऋण की तीसरी सकारात्मक भूमिका ये है कि ऋण उद्योगों के विकास में बहुत ही सहायक होता है। दोस्तों जैसा हमने जाना कि उत्पादन को बढ़ाने के लिए कार्यशील खर्चों की पूर्ति करता है और अगर किसी व्यक्ति का उत्पादन बढ़ता है तो उस व्यक्ति के उद्योग का विकास भी हो जाता है, इसीलिए ऋण उद्योग के विकास में सहायक होता है। दोस्तों ऋणों का इस्तेमाल आगतों की खरीदारी के लिए भी किया जाता है और साथ ही साथ इसका इस्तेमाल फसलों की उपज में भी बहुत अधिक सहायक होता है, जो कि इसकी एक सकारात्मक भूमिका है। दोस्तों ये लोगों को आय बढ़ाने में भी सहयोग करता है।
दोस्तों, ये सभी है ऋण की सकारात्मक भूमिका। चलिए अब जानते हैं ऋण की नकारात्मक भूमिका के बारे में। दोस्तों, ऋण की नकारात्मक भूमिका में से पहली भूमिका है कि ऋण लेते समय लोगों को बहुत ऊंची ब्याज दर चुकानी पड़ती है। दोस्तों, कई बार ये देखा जाता है कि जो लोग ऋण लेते हैं वो ऋण के बाद उस मूल राशि को नहीं चुका पाते हैं और मूल राशि के साथ साथ उनको ब्याज देना बहुत ही भारी पड़ता है। दोस्तों, ऐसे मामलों में जहां पर लोग अपने कर्ज की अदायगी नहीं कर पाते हैं, उन्हें उस कर्ज को उतारने के लिए अपनी कीमती वस्तुएं जैसे जमीन, गहने आदि बेचने पड़ते हैं। दोस्तों, ऐसे में ऋण कमाई बढ़ाने की बजाय लोगों को एक ऐसी स्थिति में डाल देता है जहां से उन्हें निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है और उनकी स्थिति और बदतर हो जाती है। दोस्तों, ऐसी स्थिति को आम भाषा में कर्ज जाल कहा जाता है। दोस्तों, कर्ज जाल एक ऐसी स्थिति होती है जहां पर लोग कर्ज लेने के बाद बद से बदतर स्थिति में पहुंच जाते हैं और उनकी आर्थिक स्थिति और खराब होती जाती है, जहां से बाहर निकलना उनके लिए बहुत ही कष्टदायक हो जाता है। दोस्तों, ऋण की दूसरी नकारात्मक भूमिका ये है कि लोगों को ऋण उतारने के लिए वस्तुओं को गिरवी रखने की जरूरत पड़ती है। दोस्तों, बहुत सी स्थितियों में ये देखा जाता है कि लोगों को ऋण लेने के लिए अपनी बहुत कीमती वस्तुएं गिरवी रखनी पड़ती है और उसके बदले में ऋणदाता उन्हें ऋण देता है। दोस्तों, ऋण की तीसरी नकारात्मक भूमिका ये है कि गरीबों के लिए ऋण की उपलब्धता बहुत ही कम है। दोस्तों, ऐसा इसलिए है क्योंकि बहुत सी जगहों पर बैंक उपस्थित नहीं है और जो अनौपचारिक ऋणदाता हैं वो लोग गरीबों को ऋण उपलब्ध नहीं कराते हैं क्योंकि गरीब लोग उनकी ब्याज दर पर ऋण नहीं ले सकते हैं। दोस्तों, ये तो थी ऋण की नकारात्मक और सकारात्मक भूमिकाएं। दोस्तों, ऋण किसी भी व्यक्ति के लिए उपयोगी होगा या नहीं, ये बात उनकी परिस्थिति के खतरों और हानि होने पर प्राप्त सहयोग की संभावना पर ही निर्भर करती है। दोस्तों, अब जानते हैं ऋण की शर्तों के बारे में। दोस्तों, हर ऋण समझौते में ब्याज दर निश्चित कर दी जाती है जिसे कर्जदार महाजन को मूल रकम के साथ अदा करता है। ये ही ऋण की पहली शर्त है। दोस्तों, ऋण की दूसरी शर्त होती है समर्थक ऋणधार। दोस्तों, ऋणधार को इंग्लिश में कोलेटरल कहा जाता है। दोस्तों, समर्थक ऋणधार की मांग कर्जदाता गिरवी रखने के लिए करते हैं। दोस्तों, ऋण की तीसरी शर्त होती है आवश्यक कागजात। दोस्तों, ब्याज दर के बारे में हम पहले ही जान चुके हैं, चलिए अब बात करते हैं समर्थक ऋणधार के बारे में। दोस्तों, समर्थक ऋणधार ऐसी संपत्ति होती है जिसका मालिक कर्जदार होता है, जैसे कि भूमि, इमारत, गाड़ी, पशु, बैंक में पूंजी इत्यादि। दोस्तों, समर्थक ऋणधार का इस्तेमाल कर्जदार उधारदाता को गारंटी देने के रूप में करता है। दोस्तों, जब तक कि ऋण का भुगतान नहीं हो जाता, ये वस्तुएं उधारदाता की हो जाती है जो गारंटी के रूप में इस्तेमाल की जाती है। यदि कर्जदार उधार वापस नहीं कर पाता है तो उधारदाता को भुगतान प्राप्ति के लिए यानी कि अपनी उधार दी गई राशि को प्राप्त करने के लिए इस संपत्ति या समर्थक ऋणधार बेचने का पूरा पूरा अधिकार होता है। दोस्तों, समर्थक ऋणधार के बहुत ही आम उदाहरण होते हैं बैंकों में जमा, जमीन, गाड़ी, इमारतें, किसी का मकान या पशु इत्यादि। दोस्तों, इनके अलावा आपको बहुत से अपने आवश्यक कागजात ऋण लेते समय देने पड़ते हैं या गिरवी या गारंटी के रूप में रखने पड़ते हैं, जैसे कि अपना आइडेंटिटी कार्ड, अपना वोटर आईडी कार्ड, अपना आधार कार्ड या फिर कोई महत्वपूर्ण दस्तावेज। दोस्तों, इन सभी का इस्तेमाल गारंटी के तौर पर किया जाता है और आपकी पहचान को पुख्ता करने के लिए, यानी कि ये सुनिश्चित करने के लिए कि कहीं आप कोई फ्रॉड तो नहीं है, इसके लिए किया जाता है।
दोस्तों, ये सभी लीगल डॉक्यूमेंट मुख्य तौर पर बैंकों से या फिर किसी सहकारी समिति से ऋण लेने के समय इस्तेमाल में लिए जाते हैं। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं साख के स्रोतों के बारे में। दोस्तों, साख के मुख्य तौर पर दो स्रोत होते हैं, जिसमें से पहला स्रोत होता है औपचारिक स्रोत। दोस्तों, ऋण के औपचारिक स्रोतों में शामिल होते हैं बैंक और सहकारी समितियां। दोस्तों, इसके बाद आते हैं साख के अनौपचारिक स्रोत। साख के अनौपचारिक स्रोतों में साहूकार, महाजन, मालिक, रिश्तेदार, आपके परिजन इत्यादि शामिल होते हैं। दोस्तों, बैंक से या सहकारी समितियों से कर्ज या साख लेते समय आपको बहुत से कागजात मुहैया कराने होते हैं और साथ ही साथ गारंटी के तौर पर कुछ समर्थक ऋणाधार भी रखना होता है। दोस्तों, भारत का भारतीय रिजर्व बैंक ऋणों के औपचारिक स्रोतों की कार्य प्रणाली पर नजर रखता है। दोस्तों, समय समय पर बैंकों को RBI को ये जानकारी देनी होती है कि वे कितना और किसको ऋण दे रहे हैं और उसकी ब्याज दरें क्या क्या है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं साख के अनौपचारिक स्रोतों के बारे में। दोस्तों, ये बात तो हमने जान ली कि साख के अनौपचारिक स्रोतों में मालिक, रिश्तेदार, दोस्त, व्यापारी, साहूकार इत्यादि आते हैं। अनौपचारिक स्रोतों से ऋण लेते समय बहुत से मामलों में ये देखा जाता है कि लोगों को समर्थक ऋणधार की आवश्यकता नहीं होती है। दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो अनौपचारिक स्रोत होते हैं, या तो वो आपके रिश्तेदार होते हैं या वो आपके जानने वाले होते हैं, इसीलिए निजी संबंधों और आपसी विश्वास के आधार पर ये ऋण दिए जाते हैं और इसी के कारण ये लोग समर्थक ऋणाधार नहीं लेते हैं। दोस्तों, इसके अलावा अनौपचारिक स्रोतों में ये देखा जाता है कि ये लोग बहुत ही उच्च ब्याज दर कर्जदार पर लगाते हैं। दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अनौपचारिक क्षेत्रक में ऋणदाताओं की गतिविधियों की देखरेख करने वाली कोई भी संस्था नहीं होती है। वो किसी भी अपनी मनचाही ऋण की दर पर कर्ज दे सकते हैं। दोस्तों, इसी के साथ साथ वो बहुत से नाजायज तरीकों से अपने पैसे वापस लेते हैं और इन नाजायज तरीकों को रोकने वाला भी कोई नहीं होता है। दोस्तों, ये देखा जाता है कि औपचारिक ऋणदाताओं की तुलना में अनौपचारिक क्षेत्र के ज्यादातर ऋणदाता बहुत अधिक ब्याज वसूल करते हैं, इसीलिए अनौपचारिक ऋण कर्जदाता को बहुत अधिक महंगा पड़ता है। दोस्तों, उच्च ब्याज दर होने के कारण किसी भी व्यक्ति के लिए ऋण की लागत बहुत ऊंची हो जाती है। दोस्तों, ऋण की ऊंची लागत का अर्थ ये है कि कर्जदार की आय का अधिकतर हिस्सा ऋण की अदायगी में खर्च हो जाता है। दोस्तों, अनौपचारिक स्रोतों में ऋण की ऊंची ब्याज दर होने के बावजूद भी भारत में लोग ऋण के अनौपचारिक स्रोतों पर आश्रित हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि भारत में अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भरता के क्या क्या कारण है। दोस्तों, भारत में अनौपचारिक ऋण के स्रोतों पर आश्रय होने का पहला कारण है कि भारत में बहुत सी जगहों पर बैंकों की अनुपस्थिति है। दोस्तों, बहुत से गांव, ग्रामीण क्षेत्र या फिर पिछड़े हुए क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर एक भी बैंक नहीं है, जिसके कारण लोगों को बैंकों से ऋण नहीं मिल पाता है। दोस्तों, इसी के साथ साथ बैंकों से ऋण लेना बहुत ही कठिन प्रक्रिया है। दोस्तों, बैंकों में ऋण लेने के लिए किसी भी व्यक्ति को समर्थक ऋणाधार और आवश्यक कागजात की जरूरत पड़ती है, जो बहुत से गरीब लोगों के पास नहीं होते हैं, इसीलिए वो लोग बैंक से उधार या ऋण नहीं ले पाते हैं और उन्हें ऋण के अनौपचारिक स्रोतों पर आश्रित होना पड़ता है। दोस्तों, ऋण के अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भरता का तीसरा कारण ये है कि अनौपचारिक स्रोतों से ऋण लेने के लिए समर्थक ऋणाधार की आवश्यकता लोगों को नहीं पड़ती है। और दोस्तों, चौथा कारण ये है कि लोगों को अनौपचारिक स्रोतों से ऋण लेने के लिए आवश्यक कागजातों की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है।
दोस्तों, अब हमने जान लिया है ऋण के स्रोतों के बारे में। इसके अलावा एक और स्रोत होता है जहां से लोग ऋण प्राप्त कर सकते हैं, वो है स्वयं सहायता समूह। दोस्तों, स्वयं सहायता समूह 15 से 20 सदस्यों का एक छोटा समूह होता है। दोस्तों, ये सदस्य आपस में पड़ोसी होते हैं या फिर एक गांव के होते हैं। दोस्तों, ये हाल के वर्षों में गरीब लोगों को उधार देने का एक नया तरीका है। दोस्तों, एक स्वयं सहायता समूह के सभी सदस्य यानी कि ये 15 से 20 सदस्य नियमित रूप से मिलते हैं और बचत करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हर एक सदस्य अपने पैसों को जमा करता है और फिर उसके बाद सभी सदस्य मिलकर अपनी जमा की हुई राशि को इकट्ठा करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर प्रति व्यक्ति बचत 25 रुपए से 100 रुपए या उससे अधिक हो सकती है। यह बचत परिवारों की बचत करने की क्षमता पर निर्भर करती है। एक स्वयं सहायता समूह के सदस्य अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए छोटे छोटे कर्ज समूह से ले सकते हैं। दोस्तों, कोई भी स्वयं सहायता समूह दिए हुए कर्ज पर ब्याज लेता है, लेकिन यह ब्याज किसी भी अनौपचारिक स्रोत से लगाए हुए ब्याज से कम ही होता है। दोस्तों, इस प्रकार के कर्ज के सिस्टम को हम माइक्रो फाइनेंसिंग के नाम से जानते हैं। दोस्तों, अगर कोई भी स्वयं सहायता समूह एक या दो वर्षों के बाद भी नियमित रूप से बचत करता रहता है तो वो समूह बैंक से ऋण लेने के योग्य हो जाता है। और दोस्तों, ऐसे ऋणों का उपयोग समूह के सदस्यों के लिए स्वरोजगार के अवसरों का सृजन करने के लिए कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो भी ऋण दिया जाता है वो स्वयं सहायता समूह के नाम पर ही दिया जाता है। किसी भी स्वयं सहायता समूह में बचत और ऋण गतिविधियों से संबंधित ज्यादातर महत्वपूर्ण निर्णय समूह के सदस्य स्वयं ही लेते हैं, जैसे कि समूह में दिए जाने वाले ऋण, उनका लक्ष्य, उनकी रकम, उनका ब्याज दर, वापस लुटाने की अवधि, इन सभी के बारे में जो भी निर्णय लिए जाते हैं वो उस समूह के सारे सदस्य मिलकर लेते हैं। दोस्तों, जो बैंकों से ये ऋण मिलता है उसको लुटाने की जिम्मेदारी भी पूरे समूह की ही होती है। दोस्तों, अगर कोई सदस्य ऋण वापस नहीं लुटाता है तो उस समूह के अन्य सदस्य इस मामले को बहुत ही गंभीरता से लेते हैं। दोस्तों, इस तरह स्वयं सहायता समूह कर्जदारों को ऋणधार की कमी की समस्या से उबारने में मदद करता है। दोस्तों, आज का ये वीडियो लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। तो चलिए हम जानते हैं कि आज के वीडियो लेक्चर में हमने क्या क्या सीखा। दोस्तों, सबसे पहले हमने बात करी ऋण की सकारात्मक भूमिका के बारे में, जिसमें हमने जाना कि ऋण से एक व्यक्ति का क्या क्या फायदा होता है। उसके बाद हमने ऋण की नकारात्मक भूमिका के बारे में चर्चा की। हमने जाना कि ऋण कैसे किसी भी व्यक्ति की जिंदगी में एक नकारात्मक भूमिका निभा सकता है और किसी व्यक्ति को कर्ज जाल में डाल सकता है। दोस्तों, उसके बाद हमने ऋण की शर्तों के बारे में पढ़ा। हमने जाना कि मुख्य तौर पर ऋण की तीन शर्तें होती है, जिसमें से पहली शर्त होती है ब्याज दर, दूसरी शर्त होती है समर्थक ऋणधार और तीसरी शर्त होती है आवश्यक कागजातों की पूर्ति करना। दोस्तों, उसके बाद हमने ऋण के स्रोतों के बारे में जाना, जिसमें हमने चर्चा की ऋण के औपचारिक और अनौपचारिक स्रोतों के बारे में। दोस्तों, उसके बाद हमने जाना कि स्वयं सहायता समूह क्या होते हैं और किस प्रकार ये ऋण की दिक्कतों को उभारने का एक नया उपाय है। दोस्तों, इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो लेक्चर समाप्त होता है। दोस्तों, अगली वीडियो में हम इस पार्ट के प्रैक्टिस क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इस वीडियो लेक्चर को और अच्छे से पढ़ने और समझने के लिए अपनी एनसीईआरटी की बुक से इस पार्ट को जरूर पढ़ें और बहुत से प्रश्नों का अभ्यास करें, ताकि आप अगले वीडियो लेक्चर में सभी प्रश्नों का उत्तर दे सकें। दोस्तों, आज मैं आपसे विदा लेती हूँ और मेरी आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो लेक्चर में।
अगले वीडियो लेक्चर तक के लिए बाय बाय। हेलो दोस्तों, आशा है आप सबको आज पाठ पढ़ के बहुत मज़ा आया होगा। तो चलिए देख लेते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा। आज क्लास 10 में हमने विज्ञान विषय में अम्ल, क्षारक और लवण भाग 1 की पढ़ाई करी और सामाजिक विज्ञान विषय में मुद्रा और साग भाग 2 पढ़ा और इन वीडियो पर आधारित रोचक प्रश्नों को भी बनाया। अब देखते हैं दोस्तों कि हम कल क्या पढ़ेंगे। दोस्तों क्लास 12 में गणित में सांतत्य तथा अवकलनीयता भाग 9 पढ़ेंगे और भौतिक विज्ञान में विद्युत धारा भाग 6 की पढ़ाई करेंगे। एक ज़रूरी सूचना, आज का प्रसारित एपिसोड का पुनः प्रसारण YouTube पर भी किया जाएगा। आप DG7 इक्वेशन YouTube पर सर्च करके इस तरफ पहुंच सकते हैं। धन्यवाद।